मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ साफ कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले लड़ने वाली। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे फैसले के बाद किसको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। चलिए हम आपको जरा आसान भाषा में समझाते हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी जो कि एनडीए गठबंधन की प्रमुख पार्टी है, उसके सामने दो स्थितियां उभर कर सामने आती है। मायावती के अकेले लड़ने से बीजेपी को फायदा यह है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो रहा है और विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की बात थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मुस्लिम वोटों में बंटवारे की बात इसलिए क्योंकि मायावती भी MD यानी कि दलित मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती है। अगर हम बीजेपी को नुकसान की बात करें तो सीधा नुकसान जो है वो दलित वोटर्स का। दलित वोटर्स का नुकसान बीजेपी को होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो दलित गठबंधन के साथ नहीं जाते, अखिलेश यादव के साथ नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता पकड़ते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन अब जब कि मायावती अकेले लड़ेंगी, ऐसे में दलित वोट उनकी तरफ एक साथ आ सकता है और ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा जो मोदी वर्सेस ऑल का नरेटिव बीजेपी प्रस्तुत करती है उस पर भी एक झटका है। यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि सब मोदी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन अलग लड़ेगा और तो और बीजेपी अपना चुनाव प्रचार करेगी। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में कि अब आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को क्या फायदा नुकसान होगा, इसे जरा हम आपको समझाते हैं। देखिए ग्राफिक्स जरिए समझिए कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा आसानी सीट शेयरिंग में होगी। माना जा रहा था कि यूपी में अगर मायावती आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो अखिलेश यादव को होगी, क्योंकि उनको ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ेंगी। तमाम जद्दोजहद इसी को लेकर चल रही थी। अब सीट शेयरिंग की बात ज्यादा आसान होगी क्योंकि मायावती का स्टेक बड़ा था, वो बाहर है, तो सबसे आसानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए होगी जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को सीट देने का दबाव था, उस पर भी कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आएगा। वहीं इसका एक और फायदा है, छोटे दलों के लिए खिड़की खुल जाएगी। यानी कि जो छोटे दल हैं इस पूरे गठबंधन में, वो मायावती के जाने के बाद जो स्पेस बचेगा उसमें ऐसे छोटे दलों की, वो चाहे महान दल हो या जनवादी पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद जैसी पार्टी के हो, यानी कि आजाद समाज पार्टी, उनके लिए एक मौका इंडिया गठबंधन के लिए बन सकता है और वो अपने इलाके को सिक्योर कर सकते हैं। वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को ये होगा कि जो एक थ्योरेटिकल बात थी कि हर सीट पर एक उम्मीदवार के सामने दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना है, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब उत्तर प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में त्रिकोणीय चुनाव जो है होता हुआ नजर आएगा, साझा उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। वही साफ बात यह जो हमने आपको पहले ही बताया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी होगा और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। अब हम बात कर लेते हैं बसपा की, क्योंकि बसपा का ही फैसला है, मायावती का फैसला, तो मायावती को क्या नुकसान होगा, बसपा को क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मायावती को फायदा यह है कि उन्होंने अपने काडर को यह संदेश दिया है कि बसपा बिना बैसाखी के लड़ सकती है। यानी कि बसपा को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो काडर बेस्ड पार्टी, यानी कि जो काडर है उसको एक तरीके से बूस्ट करने की कोशिश। मायावती ने अपने बयानों में भी कहा, उन्होंने ये कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दलितों की बात हम करेंगे, अपर कास्ट वोट कांग्रेस को मिलता है। ये बातें कहीं ना कहीं संकेत कर रही हैं कि मायावती अपने काडर पर बहुत फोकस करती हुई नजर आ रही है और ये संदेश भी देने की कोशिश है उनको। वहीं एक उम्मीद मायावती को ये भी है कि जिनका बिखरा हुआ दलित वोट है वो एकजुट हो जाए। दरअसल मायावती कभी 18% 20% 27% तक की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन बीते दिनों में उनका वोट परसेंट बहुत गिरा है। फिलहाल अगर हम यूपी विधानसभा चुनाव को ही मार्क माने तो 12.9% वोट मिले थे, 13% से कम उनके पास कोई विधायक नहीं है। दलित वोटों में खासकर गैर जाटो वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बढ़ चुके हैं। जाटो वोटों में भी दोनों पार्टियों ने काफ़ी चेंदमारी की है, तो मायावती के पास अकेले लड़कर अपने जो दलित वोट हैं उसको इकट्ठा करने की एक संभावना भी नजर आती है, जिसको लेकर उन्होंने आकाश आनंद को आगे भी किया है। वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो मुस्लिम वोट छिटकने का सबसे बड़ा असर जो है मायावती को पड़ सकता है। दरअसल अगर दो ध्रुवीय चुनाव होते हैं तो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो NTBJP जाएगा, और अगर वो NTBJP जाता है तो उसकी पहली चॉइस इंडिया गठबंधन होगी। ऐसे में मायावती के पास सिर्फ दलित वोट बचता है, और गठबंधन में ना होने का एक और नुकसान है कि अगर दो ध्रुवीय चुनाव में मायावती फंसती हैं, जैसा उनके साथ विधानसभा चुनाव में हुआ था वैसा लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। क्या उनका खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, ये बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए यूपी तक, नमस्कार।